Hi everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video, I'm going to start with the theories of management, right? Last video mein we talked about the management thinkers. Humne bahut sare management theories ke bare mein discussion kiya tha. Taylor, Fayol, Elton Mayo, Max Weber. Now I'm going to actually start with the theories, theek hai? Before starting with the theories, ek aapko gist deti hoon. हम मैनेजमेंट थ्योरीज़ को इन चार बेसिक पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. सबसे पहले आई थी क्लासिकल थ्योरीज़. मैं अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि क्लासिकल थ्योरीज़ इन्हें क्यों कहते हैं और किन थ्योरीज़ को हम क्लासिकल अप्रोच के अंदर कैटेगराइज करेंगे. क्लासिकल थ्योरी के बाद आई न्यू क्लासिकल थ्योरीज़. मतलब ये भी क्लासिकल थ्योरीज़ हैं बट दे केम अप विद अ न्यू एस्पेक्ट. उसके बाद आया सिस्टम्स अप्रोच, जब हम मैनेजमेंट को एक सिस्टम की तरह व्यू करते हैं. एंड देन इन टूडेज वर्ल्ड, जैसे मॉडर्न थ्योरीज भी कह सकते हैं, अब आती हैं कंटिजेंसी अप्रोच. अब जितनी भी मैनेजमेंट थ्योरीज आती हैं, मैनेजमेंट व्यूज हैं, वो सब कंटिजेंसी अप्रोच के अंदर फॉल करते हैं, राइट? सो दीज आर द फोर ब्रॉड हेड्स जिसमें मैनेजमेंट थ्योरीज को क्लासीफाई कर सकते हैं. टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी, जो कि है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिकल थ्योरीज, इन्हें हम क्लासिकल थ्योरीज क्यों कहते हैं? आपने बॉलीवुड सॉन्ग्स जब देखे हैं तो हम कहते हैं ना ये क्लासिकल सॉन्ग्स हैं या ये क्लासिकल मूवीज़ हैं. क्लासिकल वर्ड का मतलब होता है फंडामेंटल, मतलब फर्स्ट ऑफ अ काइंड. उस टाइम से पहले ऐसी चीज़ नहीं थी, राइट? जब वो कोई चीज़ फर्स्ट ऑफ अ काइंड, एम्पेरिकल, बिल्कुल फंडामेंटल होती है तो हम उसे क्लासिकल कहते हैं. तो इन थ्योरीज़ को क्लासिकल थ्योरीज इसलिए कहा गया था बिकॉज इन थ्योरीज से पहले कभी भी किसी ने मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं देखा था. इससे पहले बिलीव होता था दैट मैनेजर्स आर बॉर्न, दे कैन नॉट बी मेड. मतलब दिस वॉज द आइडियोलॉजी कि मैनेजमेंट स्किल्स इंसान लेके पैदा होता है, इसे सिखाया नहीं जा सकता. मैनेजमेंट को साइंस की तरह या नॉलेज की तरह व्यू नहीं किया जाता था. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दीज पीपल केम अप विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, विद द स्टडी ऑन मैनेजमेंट, विद द नॉलेज ऑन मैनेजमेंट. इसीलिए इन थ्योरीज को क्लासिकल थ्योरीज बोला जाता है बिकॉज दे वर फर्स्ट ऑफ देयर काइंड. दे आर फंडामेंटल थ्योरीज, ये इम्पेरिकल थ्योरीज हैं और आज भी इन्हें फॉलो किया जाता है, ठीक है? सो बहुत सारे प्रिंसिपल्स इन थ्योरीज ने हमें दिए. ऐसे प्रिंसिपल्स बेसिकली ये गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स फॉलो कर सकते हैं. क्लासिकल थ्योरीज मेजरली इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी कि सिर्फ मनी पे फोकस कर रहे थे और उनका मोटिवेशन इकोनॉमिक गेन्स ही था. लेट मी टेल यू, जितने भी क्लासिकल थ्योरीज हैं वो सब के सब ऑर्गेनाइजेशंस पे ज़्यादा फोकस करती हैं. दे डिड नॉट फोकस ऑन द ह्यूमन एलिमेंट. ह्यूमन एलिमेंट जब फोकस में आया तो उन्हें हम नियो क्लासिकल थ्योरीज कहते हैं. दोज वी विल डिस्कस लेटर. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिकल थ्योरीज. सो फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी, सो ये तीन पिलर्स हैं क्लासिकल थ्योरी के. ये तीन थ्योरीज हैं जिन्हें हम क्लासिकल थ्योरीज में आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट इज साइंटिफिक थ्योरी, देन केम द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एंड देन वॉज अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. इन तीनों थ्योरीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. इन द टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू ओनली फोकस ऑन द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. ऑल राइट, सो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर ने दी थी. बहुत ही अच्छी थ्योरी थी, वेल रिकग्नाइज थ्योरी है. इन इज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर केम विद दीज प्रिंसिपल्स ऑन मैनेजमेंट, ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. बहुत क्लियरली उन्होंने चार प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया था और ही ऑल्सो गिव सर्टन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट मैन टू डू एंड सींग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. आपको प्रॉपरली, क्लियरली, एनालिटिकली, साइंटिफिकली पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करवाना है और उस काम को बेस्ट पॉसिबल वे में करवाना है. दिस वॉज द आइडियोलॉजी बिहाइंड द साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो in the theory of scientific management, the four principles given by Taylor was science, not rule of thumb, harmony, not discord, cooperation, not individualism, and greatest efficiency and prosperity. Let's understand these principles one by one. सबसे पहले आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थम. रूल ऑफ थम क्या होता है? अंगूठा छाप काम करना, मतलब अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे काम करना, एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करना, पर्सनल जजमेंट्स, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, इस आइडियोलॉजी पे काम करना, इसे कहते हैं रूल ऑफ थम. टेलर वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. इनफैक्ट इस थ्योरी से पहले मैनेजर्स इसी तरीके से काम करते थे. दे यूज टू वर्क ऑन देयर इंट्यूशंस, ऑन देयर एक्सपीरियंस, राइट? एज आई टोल्ड यू, पहले बिलीव था मैनेजर्स आर बॉर्न, लोग ये स्किल्स लेके पैदा होते हैं, इन्हें सिखाई नहीं जाती है. सो ही सेड नो, इट्स नॉट लाइक दैट. मैनेजर्स शुड नॉट वर्क ऑन देयर इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस. एवरी वर्क शुड बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज. यू शुड टॉक इन नंबर्स. हर चीज़ को एनालाइज करो, साइंटिफिकली एनालाइज करो, एंड देन डिटरमाइन वॉट इज द मोस्ट एफिशियंट वे ऑफ डूइंग इट रादर देन गोइंग बाई योर इंट्यूशंस और जजमेंट. सो ही सेड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थम.
सेकेंड प्रिंसिपल ही वॉज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कोऑपरेशन मतलब मिल के काम करना. ही सेड अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं मिल के काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ, देन दे आर इन अ बेटर वे टू अचीव. इंडिविजुअल काम करना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दिस वे यू कैनॉट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन हैव सक्सेस. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर मूविंग अहेड. जब ये क्लासिकल थ्योरीज आई थी, द टाइम वेन दे केम, द जॉब्स वर मोर ऑफ अ मैकेनिकल काइंड ऑफ अ जॉब. मतलब टेक्निकल जॉब्स नहीं होती थी, कंप्यूटर्स पे कम लोग काम करते थे, या ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी. मेजरली उस टाइम पे लेबर वर्क, फैक्ट्री वर्कर्स पे ज़्यादा फोकस होता था, फैक्ट्री वर्क्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पे ज़्यादा फोकस था. तो लेबर, तो टेलर की जो थ्योरीज हैं या फेयोल की जो थ्योरीज हैं, ये मेजरली ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे फोकस करती हैं. मेजरली दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स देम. तभी हम कहते हैं इन थ्योरीज का एक ड्रॉबैक ये है कि इनका बहुत ही नैरो व्यू है. ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस में उतने अच्छे से प्रिंसिपल्स फिट नहीं होते हैं, बट स्टिल दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स दे आर वन ऑफ अ काइंड प्रिंसिपल्स. सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि मिल के काम करना है, अलग अलग काम नहीं करना है. थर्ड प्रिंसिपल वॉज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल गिव एंड टेक. ये होता है हार्मनी. डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स होना. सो ही सेड देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द वर्कर्स एंड नॉट डिस्कॉर्ड. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड हार्मनी. एक जैसा ही लग रहा है सुनने में, कोऑपरेशन मतलब मिलके काम करना, हार्मनी मतलब एक दूसरे को समझना. सो दिस साउंड लाइक सिमिलर. यस दे आर वेरी वेरी सिमिलर, बट यस देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सो व्हाट्स द डिफरेंस इज हार्मनी हुआ मिलके काम करना, एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना. लेट मी टेल यू इन दोज टाइम्स जब वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और जो फोरमैन होते हैं जो उनका ध्यान रखते थे, दोज पीपल हु यूज्ड टू चेक वेदर द वर्कर्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे. वर्कर्स की आइडियोलॉजी होती थी कि फोरमैन हमेशा हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, और फोरमैन्स की आइडियोलॉजी होती थी कि वर्कर्स काम नहीं करना चाहते. दिस वॉज लाइक इन द साइंटिफिक थ्योरी टेलर सेट कि ऐसा नहीं है. मैनेजर्स एंड वर्कर्स दे नीड टू चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर. दे नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर. हार्मनी होना बहुत जरूरी है. दिस वॉज लाइक अ मेंटल रेवोल्यूशन एट दैट टाइम. एंड नाउ कम्स कोऑपरेशन. कोऑपरेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी. अगर हार्मनी होगी, अगर वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो वो ऑटोमेटिकली कोऑपरेटिवली एक दूसरे के साथ काम करेंगे. सो कोऑपरेशन इज एन एक्सटेंशन टू द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. सो कोऑपरेशन में टेलर ऑल्सो सेड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसल्ट द वर्कर्स बिफोर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर देम. ये लाइन कहीं सुनी हुई है? मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, राइट? दिस प्रिंसिपल इज अ वेरी वेरी मॉडर्न प्रिंसिपल. ये टेलर की थ्योरी के बहुत बाद कॉन्सेप्ट आया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कहता है कि जब भी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करे, हमेशा अपने वर्कर्स को, अपने जिन लोगों ने एक्चुअली में काम करना है, उनके साथ कंसल्ट करके ऑब्जेक्टिव सेट किए जाए. बट टेलर वेरी लॉन्ग अगो सेट दिस इन द कोऑपरेशन प्रिंसिपल दैट मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसल्ट द वर्कर्स बिफोर सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर देम. इससे क्या होगा, आपस में हार्मनी आती है, आपस में कोऑपरेशन आता है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन रीच बेटर हाइट्स इफ दे वर्क लाइक दिस. सो दीज वर द थ्री प्रिंसिपल्स. एंड लास्ट प्रिंसिपल है डेवलप ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. टेलर वॉज ऑफ वेरी वेरी साइंटिफिकली एनालिटिकल काइंड ऑफ अ माइंड. ही सेड हर वर्कर की एक स्पेशलाइजेशन बिल्ड करो. जिस वर्कर की जिस काम में स्पेशलाइजेशन है, उसको वही काम करने दो, सो दैट ही रीचेज द ग्रेटेस्ट ऑफ एफिशियंसीज. असाइन द वर्क सूटिंग टू देयर एबिलिटीज और देयर टेम्परमेंट. इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. सो दीज वर द फोर प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर. नाउ आफ्टर गिविंग दोज प्रिंसिपल्स टेलर, सो बेसिकली साइंटिफिक थ्योरी इट कॉल्ड फॉर अ मेंटल रेवोल्यूशन. एज आई टोल्ड यू, उस टाइम पे आइडियोलॉजी में फोरमैन एंड वर्कर्स दे ऑलवेज यूज टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर. बट समबडी केम अप विद अ कॉन्सेप्ट दैट कि भाई इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ यू कैनॉट वर्क, देर हैज टू बी कोऑपरेशन, राइट? सो मेंटल रेवोल्यूशन फॉर बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स, एंड दैट इज वाई दिस वॉज वन ऑफ द एम्पेरिकल थ्योरीज ऑफ दैट टाइम एंड इवन फॉलोड टूडे. नाउ इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए टेलर ऑल्सो केम अप विद सर्टेन टेक्निक्स. बता तो दिया कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को अचीव कैसे करना है, कैसे अश्योर किया जाए कि कोऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे अश्योर किया जाए कि साइंटिफिकली वर्क हो रहा है, कैसे अश्योर किया जाए कि हार्मनी रहे, कैसे अश्योर किया जाए कि हर पर्सन अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे काम करे. फॉर दैट टेलर गेव 5 टेक्निक्स: साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशियल पीस रेट, फंक्शनल फोरमैनशिप एंड वर्क स्टडी. लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सबसे पहले आता है
डिफरेंशियल पीस रेट. डिफरेंशियल पीस रेट होता है, जैसे मैंने बताया है, ये वाली जो फिलोसफीज हैं मेजरली इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर फोकस्ड हैं, क्योंकि उस टाइम पे लेबोरियस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होती थी. तो ही सेड पीस रेट होता है कि कितने प्रोडक्शन करने पर कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द पीस रेट. सो टेलर सेड कि पीस रेट अलग अलग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टैंडर्ड है कि एक वर्कर को एक दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. पर्सन ए ने आपको 8 यूनिट प्रोड्यूस करके दिए हैं, पर्सन बी ने आपको 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दिए हैं. सो दैट मीन्स पर्सन बी इज़ वर्किंग मोर एफिशिएंटली. सो टेलर सेड जो पर्सन ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है उसको ज़्यादा रिवॉर्ड करो. सो ही सेड जो 10 यूनिट से ऊपर प्रोड्यूस करेगा उसको पर यूनिट के 1.5 रुपीज़ मिलेंगे, जो 10 यूनिट से नीचे प्रोड्यूस करेगा उसको पर यूनिट के 1 रुपी मिलेंगे. तो ऑल द वर्कर बी हैज़ प्रोड्यूस 4 यूनिट्स मोर, लेकिन उसकी इनकम 10 रुपीज़ मोर हो गई. क्यों? क्योंकि वर्कर ए को मिले 8 × 1, दैट इज़ 8 रुपीज़, और वर्कर बी को मिले 12 × 1.5, यानी कि 18 रुपीज़. तो इससे क्या होगा, द वर्कर्स विल बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर एफिशिएंटली. सो दैट वाज वन ऑफ द टेक्निक गिवन बाय टेलर विच इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल पीस रेट. अलग अलग प्राइजेस दिए जाएँ वर्कर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी. देन केम फंक्शनल फॉर्मैनशिप. फंक्शनल फॉर्मैन, मैंने आपको बताया, फॉर्मैन आर द पीपल जो कि सुपरवाइजर्स होते हैं, जो अपने वर्कर्स का ध्यान रखते हैं. तो ही सेड पहले क्या होता था, सारी की सारी लेबर पे एक ही फॉर्मैन होता था, एक सुपरवाइजर होता था. बट ही सेड इट शुड नॉट बी लाइक दैट, आपको अलग अलग फॉर्मैन्स बनाने चाहिए जो कि अलग अलग काम पे ध्यान देंगे. सो फॉर दैट ही केम अप विद 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मैन. 4 फॉर्मैन्स आपका प्लानिंग की तरफ ध्यान देंगे और 4 फॉर्मैन आपके प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देंगे. तो प्लानिंग के अंदर जो 4 फॉर्मेंस हैं, पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ट क्लर्क, ये वो है जो सारी इंस्ट्रक्शंस लेड डाउन करेगा, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन करेगा. रूट क्लर्क प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखेगा कि कैसे वर्कर्स को काम करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, ऑल दैट. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये प्रॉपर बताएगा कि इस काम में इतना टाइम लगना चाहिए, इस काम की इतनी कॉस्टिंग होनी चाहिए. एंड द फोर्थ इज डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिनेरियन देखेगा कि सारे वर्कर्स प्रॉपरली अपना काम डिसिप्लिन के साथ, एफिशिएंसी के साथ करें. तो ये 4 फॉर्मेन प्लानिंग की तरफ ध्यान देंगे. देन कम्स द प्रोडक्शन इंचार्ज. सबसे पहला है स्पीड बॉस. स्पीड बॉस विल मेक अ श्योर कि जो काम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो प्लानिंग फॉर्मेंस ने जो काम असाइन किया है वो प्रॉपर स्पीड से हो रहा है या नहीं. गैंग बॉस. गैंग बॉस का काम है हर चीज़ को अरेंज करके रखना. वर्कर्स को जो भी काम करने हैं उसके लिए जो भी मटीरियल, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए, ऑल द थिंग्स शुड बी अरेंज्ड बाय द गैंग बॉस. रिपेयर बॉस का काम है काम करते वक्त अगर कोई भी डैमेज हो जाता है, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ रिपेयर इज रिक्वायर्ड, सो दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी वर्किंग. एंड इंस्पेक्टर विल मेक श्योर दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द स्टैंडर्ड्स. सो दीज वर द 8 टाइप्स ऑफ फॉर्मेन सजेस्टेड बाय टेलर. 4 विल वर्क अंडर द प्लानिंग एंड द 4 विल वर्क अंडर द प्रोडक्शन. ऑल दो प्रैक्टिकली बहुत इतना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल ही गेव वन ऑफ दिस टेक्निक. देन कम्स द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. ही सेट हर चीज़ के स्टैंडर्ड सेट करो. स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, यानी कि इस काम को करने में 1 घंटा लगना चाहिए, सो 1 आवर इज द स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, इस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 1 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए, सो स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल. स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस. ही सेट हर चीज़ का एक बेंच मार्क सेट करो, स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए. सो दिस विल गिव द वर्कर्स अ मोटिवेशन. दिस विल एक्चुअली टेल यू वेदर द वर्कर्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स और नॉट. ही सेट set the benchmark for every step of the production. That is the technique of standardization. Then he gave the work study. Work study के अंदर 4 studies हैं, method study, motion study, fatigue study, time study. Method study होता है, एक काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तो he said एक ऐसा तरीका ढूंढो which is the best way of performing the job. Find that method. Motion study, काम करते वक्त वर्कर्स की इधर उधर जो मूवमेंट्स होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट्स होती हैं, तो जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, ऐसी मूवमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड नहीं है उनको हटाओ. मूवमेंट्स वर्कर्स की प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप असाइंड होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ मूव करना है, यहाँ से यहाँ मूव करना है. आई नो इट साउंड्स वेरी मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ थिंग, बट दीज आर द टेक्निक्स गिवन बाय टेलर. फटीक स्टडी, ही सेट काम करते वक्त वर्कर्स को रेस्ट भी चाहिए, तो कितने इंटरवल्स के बाद उनको रेस्ट की जरूरत होती है, कितने टाइम का वो रेस्ट कर सकते हैं, ये इस चीज़ की भी स्टडी करनी चाहिए. एंड टाइम स्टडी ऑफ कोर्स, हर काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, ये आप इसकी भी स्टडी करेंगे. सो दिस वॉज अ वर्क स्टडी कॉन्सेप्ट टेक्निक गिवन बाय टेलर. वर्क स्टडी के अंदर 4 स्टडीज हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीक स्टडी एंड टाइम स्टडी. सो दिस वॉज द कम्प्लीट थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पढ़े हैं और इसमें 5 टेक्निक्स हैं जो हमने पढ़ी हैं. नाउ ऑफकोर्स देर इज अ क्रिटिसिज्म. दिस थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज बेस्ड, नंबर 1, इट इज़ अ वेरी मैकेनिस्टिक अप्रोच, मतलब ह्यूमन बींग्स को मशीन्स की तरह ट्रीट करता है.
अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, 8 फॉरमैन बनाना पॉसिबल नहीं है, इस लेवल तक की स्टडी करना कि वर्कर्स कितना रेस्ट करेंगे, कितनी फटीग होनी चाहिए, कितनी मूवमेंट्स होनी चाहिए, ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, बहुत ही नैरो व्यू है। एज आई टोल्ड यू, उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी, उस टाइम पे मेजरली इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे ही ज़्यादा स्टडी चल रही थी, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं या ये जो टेक्निक्स हैं ये लेबोरियस वर्कर्स पे ज़्यादा फिट बैठती हैं, नॉट ऑन दी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ अ नैरो व्यू, इम्प्रैक्टिकल है, येस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स प्रॉपरली, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, येस दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स कैन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। आई डोंट थिंक एनी लेबर वुड लाइक टू नो कि उसे इतने घंटे ही रेस्ट करना है या वो इतनी देर बाद ही रेस्ट करना है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर सर्टेन क्रिटिसिजम्स ऑफ द टेलर्स थ्योरी, बट कंसिडरिंग दिस थ्योरी केम इन 1900s, सो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम दिस वॉज वन ऑफ अ ब्रेक थ्रू थ्योरी। कुछ प्रिंसिपल्स, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आज भी फॉलो किए जाते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट क्लासिकल एंड एम्पिरिकल थ्योरीज, एंड दिस इज द थ्योरी गिवन बाय टेलर। So I hope you all understand the concept of scientific management. I hope you like the video. In the next video, I'm going to talk about Fayol's administrative theory, जिसमें हम 14 principles की बात करेंगे जो Fayol ने दिए हैं. So till then, keep learning, study smart, and we'll meet next time. Thank you.